तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैन कोड ईसीएस टीटन स्टॉकहोम लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला और दूसरा मैच और टूर्नामेंट का 33वां और 34वां मैच जो कि खेला जाएगा मार्स्टा वर्सेज उमेया के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, एक एक प्लेयर के बारे में पूरी जानकारी निकाल कर ले आया हूँ। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो भाई कल की तरह आज भी हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बस आप चैनल पर आ गए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और इजीली भाई आप इस मैच में काफी अच्छी विनिंग कर सकते हो। ठीक है, मैच भाई खेला जाएगा यहां पर आज ही, और टाइमिंग की बात करें तो पहला मैच दोपहर को 12:30 पर और दूसरा मैच भाई दोपहर को 2:30 पर खेला जाएगा। वेन्यू की अगर बात करें तो भाई नोसबोर्ग क्रिकेट ग्राउंड स्टॉकहोम में मैच होने वाला है और पूरी की पूरी लीग यहीं पर खेली जानी है। पिच की अगर बात करें तो भाई बैलेंस विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। 70% विकेट भाई यहाँ पर पेसर्स ने निकाले तो आप उम्मीद कर सकते हो कि पेसर्स को यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई अभी हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एक डेमो टीम के बतौर बात होगी, क्योंकि फाइनल टीम आपको आफ्टर बैटिंग ऑर्डर आफ्टर लाइनअप्स आफ्टर टॉस ही मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा और वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी मैं आपको जो टीम प्रोवाइड करवाऊंगा उसे आप 90% फाइनल मान सकते हो, बट अगर उसमें कुछ चेंज होता है जो कि भाई पॉसिबल है तो वो आपको पता लगेगा भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ दोनों टीम्स का ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर जो इनके ऑफिशियल साइट से आएगा सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैच से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPMF11। अब यहां पर आपको सर्च कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, @KPMF11 आपको सर्च करना है, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। यहां पर जो भी आप सर्च करो सारे वर्ड भाई स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। इसके अलावा भाई 5917 मेंबर्स जहाँ पर आपको दिखे जिस चैनल पर वही चैनल आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा नीचे आपको जो भी चैनल दिखे वो फेक चैनल रहेगा, एकमात्र हमारा ओरिजिनल चैनल यही होने वाला है, इसी चैनल पर जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है। अब चलिए भाई यहाँ से बात कर लेते हैं सीधा सीधा भाई जो हमारी आगे स्टेट्स है उनकी। वेन्यू की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर भाई 28 मैच जो खेले गए उसमें से भाई 15 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किए और भाई यहाँ पर 13 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर एवरेज स्कोर आप मान सकते हो 97/120 के बीच में। वेदर की बात करें तो क्लियर रहेगा, बारिश के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहने वाले हैं। अब भाई यहाँ से आपको कोई भी मतलब छोटा सा भी पार्ट भाई आपको स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले उमेया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे विद बैटिंग ऑर्डर, जो अभी तक बैटिंग ऑर्डर है उसी के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। सोहेल अदनान ओपनिंग करने आएंगे, पहले मैच में 31 रन बनाए प्लस एक विकेट निकाला, दूसरे मैच में भाई यहाँ पर जो लास्ट के दो मैच है उनके रिकॉर्ड से दूसरे मैच में भाई इन्होंने 5 रन बनाए प्लस 3 विकेट निकाले 2 ओवर की गेंदबाजी में, यानी कि मस्ट हैव पिक रहेगा, इवन सीवीसी का बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। माजिद मुस्तफा की बात करें 8 मैच में 181 रन ओवरऑल स्टेट्स है। यहाँ पर अगर बात करें तो पहले मैच में 15 रन, दूसरे मैच में 46 रन, गजब का प्लेयर है। 100% मैं तो रिकमेंड करूँगा 100% आपकी टीम में होना चाहिए। तो तत्बीक राजा की बात करें तो पहले मैच में 19 रन प्लस 2 विकेट या 2 ओवर की गेंदबाजी में, दूसरे मैच में भाई 18 रन बनाए प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी में विकेटलेस रहा, तो यानी कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा प्लस 1 डाउन बैटिंग करने आ रहे तो मेरे हिसाब से मस्ट हैव पिक रहेगा। आमिर हुसैनी की बात करें तो भाई 8 मैच में 81 रन 2 विकेट, स्टैट्स काफ़ी अच्छे, स्टार्टिंग के एक परफॉर्मेंस भी आई थी, उसके बाद भाई यहाँ पर लास्ट दो मैचेस से विकेटलेस रहा है और 7 रन बनाए। हालांकि नंबर 4 पर बैटिंग करने आएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इवन भाई आप इसे जीएल मिनी जीएल में सीवीसी ट्राई जरूर से कीजिएगा। प्रदीप सिंह की बात करें 8 मैच में 46 रन, पहले मैच में बैटिंग आई थी, दूसरे मैच में 1 रन, ईजिली ड्रॉप कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉलिंग में ड्रॉप करके चल सकते हो। केयूम मिया की बात करें भाई 6 मैच में 9 रन 8 विकेट है, गजब का प्लेयर है, लगातार दोनों मैच में 2-2 ओवर गेंदबाजी की, हालांकि एक मैच में विकेट निकाले एक मैच में विकेटलेस गया था। आगे अगर बात करें एनाल राणा की तो विकेट कीपिंग करते दिखेंगे आपको, एक मैच में बैटिंग आई नहीं है और दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाया। ताहिर मुजाबता की बात करें तो आप पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, यानी कि 2 मैच में 3 विकेट निकाले और 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर रहा, मस्ट हैव पिक रहेगा। वहीं अगर बात करें गोपीनाथन मनावालन की तो आप देख सकते हो पहले मैच में बैटिंग बॉलिंग आई नहीं, दूसरे मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट इन्होंने निकाला था। जुनैद मोहसिन की बात करें तो 5 मैच में 3 विकेट इनके ओवरऑल स्टेट्स है, हालांकि दोनों मैच में भाई यहाँ पर फरहाद जफारी और
यूनुस मोहसिन एज ए फील्डरी टीम में खेले थे, ज़्यादा कुछ इनका यूज नहीं किया गया। बेंच के प्लेयर्स की बात करें तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कुछ प्लेयर आपको बेंच पर दिखेंगे, तो इनमें से अगर कोई खेलता है तो उनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ से देखिए आपके लिए जो मस्ट हैव पिक प्लेयर रहेंगे, यहाँ से टॉप फोर आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, ठीक है। टॉप फोर के अलावा जो आपको आप ट्राई कर सकते हो वो भाई आप यहाँ से ताहिर मुजाबता को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप छह प्लेयर यहाँ से यूमिया की टीम की लेना चाहो तो वह आप देख सकते हो। यहाँ पर आप क्या नाम है इसका केवी मिया को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज भाई 5 प्लेयर मेरे हिसाब से इनफ रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो वकास हैदर 4 मैच में से 240+ के स्कोर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इवन CVC का भी अच्छा चॉइस रहेगा, जरूर से ट्राई कीजिएगा। शेर अली पहले मैच में 37 रन 2 विकेट, दूसरे मैच में पूरी तरह से फ्लॉप, तीसरे मैच में 28 रन+ 1 विकेट 2 ओवर गेंदबाजी में, लास्ट मैच में भाई यहाँ पर 2 ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस, लेकिन 59 रन की बेहतरीन नोक, विनिंग नोक, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेगा, इवन CVC का सबसे सेफ और बेहतरीन चॉइस आपके लिए यही रहने वाला है। हामिद सुलेहरी की बात करें, पहले मैच में 2 ओवर में विकेटलेस, दूसरे में 1 विकेट, तीसरे में 1 विकेट, चौथे में 2 विकेट, ठीक है। हालांकि बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं है बट बॉलिंग से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है, मस्ट हैव पिक रहेगा। अवेमुल्ला को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो, नंबर 3-4 पर बैटिंग कर रहा है, प्लस ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, 2 मैच में बैटिंग आई तो 0-0 पर आउट हुआ है। आसिफ लोन की बात करें, सेम भाई 2 मैच में बैटिंग आई तो कुछ खास नहीं कर पाया। साहिद मुस्तफ़ा की बात करें तो यहाँ पर आप इनके ओवरऑल स्टेट्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर 45 मैच में 615 रन, 1 मैच में भाई यहाँ पर 53 रन की नोक खेली थी, उसके अलावा भाई 1 मैच में 10 रन, 2 मैच में बैटिंग आई नहीं, गजब का प्लेयर है, जीएल मिनी जीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सोहेल खान की बात करें तो भाई एक पहले मैच में बॉलिंग करवाई, विकेट निकाली, दूसरे मैच में फिर बॉलिंग नहीं करवाई, तीसरे मैच में 2 ओवर गेंदबाजी में 3 विकेट निकाली, लास्ट मैच में फिर बॉलिंग नहीं करवाई। अगर ऐसे ही देखे तो भाई परमुटेशन कम्बिनेशन के हिसाब से तो भाई इस मैच में बॉलिंग करवाएगा और विकेट निकालेगा, ठीक है। तो आप जरूर से इसे ट्राई कर सकते हो, एक ट्रंप कार्ड प्लेयर के तौर पर आपकी टीम में जरूर मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें अजमल राजा की तो लगातार 2 ओवर डाल रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 4 मैच में 2-2 ओवर डाले और 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट निकालने में कामयाब रहे, तो आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपके लिए अर्सलान अत्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मैच में बॉलिंग किए, 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं। वही अगर बात करें इस्लाम अली की तो भाई 2 मैच में बॉलिंग किए और जिसमें से 1 मैच में विकेट निकाली है। कबीर सैयद की बात करें तो इन्हें टीम ज़्यादा यूज नहीं कर रही, इनका कुछ ज़्यादा यूज हुआ नहीं अभी तक, सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी के लिए आए हैं और उसमें भाई विकेट लेस गए। बेंच की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लेयर बैठे दिखेंगे, अगर इनमें से कोई आपको खेलता दिखेगा तो उसके अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बस दोस्तों अब सीधा चलते हैं डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार याद दिला दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वैसे तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो बट लिंक के थ्रू ज्वाइन करना भाई सबसे इजी और सबसे सेफ है, क्योंकि यहां से आप सिर्फ हमारे एकमात्र ओरिजिनल चैनल पर जुड़ोगे, अदरवाइज भाई सर्च करके तो आप कहीं पर भी किसी भी फेक चैनल पर आप जा सकते हो, अगर एक वर्ड भी इधर उधर हुआ तो भाई किसी फेक चैनल पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो एस मुस्तफा मस्ट हैव पिक रहेगा, इसके अलावा भाई यहां से अगर बात करें शेर खान को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें तो परविंदर सिंह को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई आपके लिए जो माजिद मुस्तफ़ा मस्ट हैव पिक रहेगा, इसके अलावा भाई यहाँ पर वकास हैदर मस्ट हैव पिक रहेगा। नीचे अगर आप चलोगे तो भाई आपके लिए यहाँ से तो राजा उल्ला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको भी आप जरूर से अपनी टीम में रखेगा। यहाँ से भाई एस सुलेरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ए हुसैनी को आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से शेर अली इंपॉर्टेंट रहेगा, एस अदनान इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से भाई ए हुसैनी को मैं अपनी टीम में अभी के लिए ले रहा हूँ। यहाँ से अरसलन अत्ता इंपॉर्टेंट रहेगा, नीचे चल के भाई आप ट्राई कर सकते हो, टीम मुजाबता को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ से भाई आपके लिए देखिए 2 से 3 अच्छे ऑप्शन यहाँ से दिखेंगे। एक मिनट भाई, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 3 मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भाई केविन मिया थोड़े से फीके पड़े हैं, और यहाँ से ए राजा की बात करें तो भाई ये कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, लास्ट मैच में भी 30 पॉइंट लिए, तो अभी के लिए मैं ए राजा के साथ जा रहा हूँ। फाइनल टीम में हो सकता है कुछ चेंजमेंट आपको दिखता आपको मैं करता दिखूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से भाई टीम मेरी ऑलमोस्ट फाइनल है, CVC बाई टॉस के टाइम में आपको फाइनल CVC टॉस के टाइम बताऊँगा। अभी के लिए अगर बात करें तो भाई कैप्टन में दे रहा हूँ शेर अली को और VC दे रहा हूँ मैं शेर अदनान को। बाकी यहाँ से 2 से 3 और भी ऐसे प्लेयर हैं जिनको भाई आप CVC बना सकते हो, उनमें से भाई यहाँ पर एक नाम तो एस सुलेरी का रहेगा, एक ए हुसैनी का रहेगा, एक भाई यहाँ से एम मुस्तफ़ा और एक यहाँ से वकास हैदर, ये 4 प्लेयर और हैं, इनमें से भी कोई दो मेरे CVC हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम पर पता लगेगी। अभी के लिए आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।